महादेव और जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंदगिरी शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंह आनंदगिरी श्री पंचदशनाम चुना अखाड़ा महामंडलेश्वर और डासना शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर, आज हम जैसे ही पद यात्रा हमारे सभी गुरु भाई करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ जैसे ही पहुँचे, वैसे ही तमाम जो है पुलिस फोर्स यहाँ इकट्ठे होकर के हम सभी यति शिष्यों के साथ बर्बरता की, खेचातानी की और खींच करके ला करके हमको यहाँ जब गिर गए हम बैठ गए, और उसके बाद फिर हमने जो है अब अन्न को त्याग करके आज से हम सभी यति शिष्य आमरण अनशन पे हैं। और आमरण अनशन का जैसे ही हमारी माता जी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी ने जैसे ही सुना तो माता जी अब हमारे पास आई हैं, और माता जी से मैं निवेदन करूँगा कि माता जी अब आप दो सकते। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े ही दुख का विषय है कि जिस व्यक्ति को भारतवर्ष में सुरक्षा की आवश्यकता है, जो व्यक्ति पूरी तरीके से सनातन के लिए समर्पित है, जो व्यक्ति सन्यास और सनातन के धर्म रक्षार्थ और हिंदुओं के रक्षार्थ जो है प्रैक्टिकल रूप से लगा हुआ है, थ्योरी नहीं कि केवल भाषणबाजी कर दी, बातें कर दी, लेकिन जो हृदय से शास्त्र शरीर लगे हुए हैं, उनके लिए आज जब सुरक्षा की बात की जाती है तो हमें रोका जाता है। आज गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलने के लिए हमारे ये यति शिष्य लोग उनकी सुरक्षा को लेकर के, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा करते हुए हरिद्वार से आ रहे हैं और मिलकर के अपनी व्यथा को रखना चाहते हैं। अपने माता पिता गुरु और परिवार की रक्षा करना या रक्षा के लिए मांग करना, यह हमारा मौलिक और नैतिक अधिकार है। जिस अधिकार को ये लोग अनैतिक बताते हुए हमें आज अपराधियों की तरीके से और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करके हमारे इन भाइयों को यहाँ पर रोक देना जो है, ये लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या गृह मंत्री केवल वहाँ बैठने के लिए है? क्या गृह मंत्री केवल वोटों की राजनीति करने हेतु उन लोगों के लिए है जहाँ से उनको लाभ मिलेगा उनको सुरक्षा दे दें? क्या महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को जेट प्लस सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? क्या उनकी जान की इस देश के लिए, भारत वर्ष के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कोई कीमत नहीं है? क्या लोग चाहते है कि वो आहुति चढ़ जाए? आज इस बात के फैसले हेतु अगर उनकी जान की कोई कीमत नहीं है तो वो लोग इस बात को कह दे तो फिर हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है। हम सभी लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमारे प्राण यहीं चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर साधु संतों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अतः मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, सभी संतों से, कि एक ऐसा संत, एक ऐसा कलयुग में व्यक्ति जो सनातन को बचाने के लिए लगा हुआ है, अपनी हड्डियां गला रहा है, तन मन धन हर तरीके से समर्पित है, खून बहा रहा है, ऐसे गुरु को बचाने के लिए हम सब लोग एक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, बैठे रहेंगे। मैं भी ये प्रण करती हूँ, अगर महाराज जी को जेट प्लस सुरक्षा नहीं दी जाती है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि हमारी हमें संतुष्ट नहीं करती है, नहीं होती है, तब तक हम यही बैठेंगे, अन्न जल त्यागेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाह भी करेंगे, अपने महाराज जी की सुरक्षा के लिए आत्मदाह भी करेंगे। मैं महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा माता इस बात का प्रण करती हूँ कि जब तक महाराज जी की सुरक्षा को लेके उचित चर्चा नहीं होती है और केंद्र सरकार संज्ञान ग्रहण नहीं करती है, तब तक हम आमरण अनशन पर है और समय पड़ने पर अपने अपने शरीरों की हम आहुति भी देने को तैयार हैं।